सोशल मीडिया पर मिलियंस व्यूज हासिल करने वाले ये हैं लाहौर के बाबर शेख उर्फ बिगड़ा नवाब, जो अपने बेटे बिलाल और अपनी बेगम के साथ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और महाना लाखों रुपए कमाते हैं। ता उम्र अगर चाहूँ तो अभी अपना सोशल मीडिया नेटवर्क बंद करके मैं अपना घर का सर्कल बहुत अच्छे तरीके से चला सकता हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी बेटा, किसको मिलना है? शेख बाबर साहब को मिलना जी, वो हैं घर पे, बुला दीजिएगा उनको जरा। अच्छा बात सुने, यही घर है वैसे उनका? घर यही है उनका। तो ऊपर रहते हैं नीचे रहते हैं? वो घर में ही रहते हैं। नहीं, घर ऊपर रहते हैं नीचे रहते हैं? ऊपर वाले कौन से वाला रूम नंबर कितना? रूम नंबर सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। सेकंड फ्लोर पे दूसरे, वो दूसरे कमरे में, पहले कमरे में कौन से में? सामने वाले कमरे में। सामने वाले कमरे में अंकल, वो देखें ना जरा, एक मिनट। मैं बेटा बात तो सुनो, बात तो सुनो, मैं बुला देता हूँ। हम ऊपर कहाँ चले जाते हैं ना? ठहरे तो सही, आप उनके अब्बू हैं? हाँ, यस। तो फिर तो मजे वाले। ये देखो यार, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अंकल आप मेरे साथ आए, बात तो सुन लो। एक मिनट, मेरी बात पर ये देखो, घर में कौन घुसा है? कोई भी नहीं घुसा है, क्या अल्लाह माफ करे, चोर है सी कोई? सुता आज शेख साहेब, अस्सलाम वालेकुम। अरे ओ कौन है तू? बाबर भाई, की हाल चाल? की बाबर भाई, तू नींद खराब करती। एक मिनट पर दरवाजा बंद कर ला। हाँ साहब अंदर आ जाओ, पसीना तानू भी आया, मेनू भी आया। 16 दे, अल्लाह माफ करे, शेखा दे घर 16 दे, 26 देसी चलिया। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैरियत, तबीयत? ये जबरदस्ती घुस के आया, मैं इनको रोकता रहा हूं, ये जबरदस्ती घुस आए। और फिर तबीयत ठीक है? रिलैक्स हो जाओ, नींद दे विच ना बंदा अक्सर इस तरह हो जाता, ख्वाब देख रहे हो भगत तुसी कोई ना कोई। आप की देखने पे यार, तू दिमाग खराब कर देता यार। की है सुता पे ऐसा, और क्यों है? मैनू भी पता, सांस चढ़ गया इनको रोकते रोकते। अंकल जी आपको सांस चढ़ गया? आपको कौन सा सांस चढ़ गया? इधर आओ, मैं पहले ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इनको आवाजें दे रहा हूँ, सबर करो, सबर करो, बुला देता हूँ कि ऊपर घुस आए। मेरी बात सुनो बाबर भाई, अंकल जी तुसी ते 2 मिनट छड़ जाओ ना, होना सोया हुआ आराम से, तो नींद पूरी कर रहा ना बेचारा, रात पूरी जागता है। और बाबर भाई क्या हाल चाल है? कुछ खादा पीता को? यार खादा पीता की, तू जरा खादा पीता ही, वो भी काट दे बाल। आप भी सो रहे थे? हैं बेचारा डर गया। इधर आ मेरा बेटा, ये शक्ल देख के डर गया होना उन जीओ। केड़ा एसी है जिदे विच भी मेनू पसीने आंडे ने? उठे जाके बैठो, उठे मार दी ट्रैक्टर। किथे? ओथे। हसियाई यार की यार, हम 2 मिनट हवा दे विच बैलन दे। हवा एसी मैं अपने वास्ते लाया, लोका वास्ते नहीं। चलो थले जाके बैठो यार, चलो नीचे चलते हैं। चलो अंकल जी, हुन ते तुसी लेके जाना ये, हुन थले मैं दौड़ जावां आपे ही। फ्रेश होके आ रहे हैं। लो जी फाइनली नींदा हराम करके, नींदा बर्बाद करके, तो अभी हम बाबर भाई के नीचे वाले रूम में आ गए हैं। और नीचे वाले रूम में आके अब इनकी सब तो पहले ऐसे बंदे ने करवाया मेरे को एसी ऑन, ठीक है, कि गर्मी बड़ी है बाबर भाई, बाहर बैठ के ऐसी इंटरव्यू नहीं कर सकते, इन्हें वास्ते हुण मैं एसी भी ऑन किया। शेखा के घर आके इन्हें एसी चलवा लिया मेरे को। मेरी बात सुनो, मेरी एक सिंपल सी बात सुनो भाई, बिल आना ना आना वो तुहाडी जिम्मेदारी है, ठीक है। असीं उत्थे बाहर गर्मी दे विच बैठ के इंटरव्यू करदे, मिंट बाद एलिन करदा हैं। आ छोटे बच्चे दी वैद मैं लगवाया, अदरवाइज मैनू गर्मी नहीं लगती। खैर जो भी है, शेख बाबर साहब की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं और वालद साहब भी मौजूद हैं। अंकल जी, ये इन्होंने वीडियोस वगैरह कब से बनाना शुरू की? और जब स्टार्ट में वीडियोस बनाना शुरू की तो आपके आस पास वाले इर्द गिर्द वाले लोग दोस्त क्या कहते थे? बेटा इसने तो पहले जो है ना, वो मुझे पता ही नहीं था कि ये वीडियो वगैरह बनाता है। और जब मुझे पता चला, मैं उसको मना करता था कि वो अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दो, इस तरफ ना जाओ, ये फजूल बंदों के काम है, आप क्या कर रहे हो, अपने कारोबार को इस्टेब्लिश करो, उसको इम्प्रूव करो। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें वीडियो में लगा रहा है और इसने काफ़ी इम्प्रूव किया इस काम में। बिस्मिल्लाह, अपने बच्चे ने किसी काम तर मैं इंटरव्यू मेरा लवो, तुसी नाश्ते वाल नजर रख लीजिए। नहीं वो माशाल्लाह। अच्छा तो उधर गल करनी, रोजाना की बुनियाद पर इसी तरीके से नाश्ता होता है या सिर्फ आज सानू वहां आना? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रोजाना की बुनियाद पर ये नाश्ता होता है। अच्छा जी, ये अल्लाह पाक साडी भरजाई दी सेहत तंदुरुस्ती देवे। 2 गिलास भेजे पानी वाले,
माशाल्लाह उनको पता चल गया ना मैं भी आया हुआ हूँ, तो इसलिए भाई ना उधर इंटरव्यू लो। अच्छा अच्छा आप कुछ बता रहे थे अंकल। मैं ये कह रहा था कि जब मुझे पता चला इसे वीडियो वगैरह बनाता है, मैं इसको मना करता था कि यार ये कोई काम नहीं है, कोई काम वो करो जिसमें आपको अर्निंग हो। ए, कोई काम में करने वाला बंदा भाई उधर इंटरव्यू लगो की गल है, खैर है तुम इतने सुते पे तुम उठाते हो, नाश्ता भी सुकून नहीं करन देना। करो नाश्ता माशाल्लाह। अच्छा लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। हमारे खुद रिलेटिव भी वो मैं कहने लग पड़े कि ये क्या कर रहा है। अब वही रिलेटिव जो है वो गल करी जा रहे क्या कर रहा है, नाश्ता कर रहा है और क्या कर रहा है यार। अब वही रिलेटिव कहते कि हमारे साथ वीडियो बनाए, हमारे घर आए, मतलब हमें इनवाइट करते हैं आपको। मतलब दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं जो रिश्तेदार बाबर भाई को मुंह नहीं लगाते थे, अब वो भी कहते हैं ओ भाई। एक मिनट बाबर। अच्छा बाबर मुझे मेरी बात सुनो, जिस तरीके से भाभी ने नाश्ता बनाया ना, यकीन करो मेरा तो पहली बात ये कि देख के मुंह में पानी आ गया और बड़ा जबरदस्त किस्म का लग रहा है मुझे। तो पहली दफा जब आप किसी के घर गए बाबर के वायरल होने के बाद, तो मतलब क्या एक अजीब सी फीलिंग होती है कि जी हमारे बच्चे ने ये थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, अपने आप को थोड़ा सा सेलिब्रिटी किया है। मतलब सारा मुंडा चवला मार के अगे। हां जी चवला मार के गए बकवास वाले मार के गिड़ियां अगे आ गए भाई। कंटेंट बनाते हैं बच्चों के साथ और बेगम के साथ, चार चार घंटे पांच पांच घंटे खज्जल होके फिर हमारा कंटेंट बनता है। चवला गिड़ियां ने भैया ने बिल्कुल सही कह रहे हैं जी यार। नाश्ता अच्छा, नाश्ता अच्छा। अच्छा आंटी जब ये बचपन में शरारती थे, वैसे बचपन में बहुत शरारती थे, बहुत शरारती और बड़े एक्टर थे। अच्छा बड़ी ऑफरें आई थी तब भी, तब भी ऑफरें आती रही हैं और अब भी ऑफरें आ रही हैं। अभी भी बहुत ज्यादा ऑफर आती है। तो यार दे ऐसे पराठा एक और बना दियो यार, आटा खत्म हो गया। ठीक है सुकून से 3000 रुपए का तोड़ा हो गया तो मैं खाता। माशाल्लाह बाकी एक्टर निकले जी फिर एक्टर जम गए। एक्टर का बेटा एक्टर ही बना ना। अच्छा तो एक्टर का बेटा एक्टर ही बना, तो बंदे का पुत्र क्यों नहीं बना? अंडे पराठे बहनोई घर आए यार भैन का घर है फिर भैन के घर का पानी भी हराम होता, तू पराठे नहीं हाथ पा लिया शर्म या कर। मैं पानी कदों हाथ लाया, मैं उदो तक पराठा खा रहा। ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਠੇ ਪਾੜੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਲਾਫਟਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਠੇ ਵੱਲ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਰ? ਆਹ ਫੜ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਈ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ यार। कैसे लोग ने कार बुला के जलील कर रहे हैं। मैं कदों बुलाया तेनू, तू डायरेक्ट मेरे कमरे पे आ बजे हैं। आंटी आपको बच्चे कह रहे थे कि आपने ना हाफ एमए किया हुआ, इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैं वैसे ही बच्चों को कुछ चेड़ती हूँ कि मैंने हाफ एमए किया हुआ है। अच्छा आपने मैट्रिक किया हुआ जी, तो मैट्रिक कहाँ से किया था आपने, कहाँ पे पढ़ी, किधर से पढ़ी? मैं उधर मियां चन्नू से। कुछ शर्म कर, कुछ हया कर। ਮੈਂ ਸੁਬਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆ ਮੀਆਂ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਆਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾਦੀ ਨੇ ਹਾਫ ਐਮਏ ਕੀਆ ਵਾ? ਆਧਾ ਅਭੀ ਕੀਆ ਵਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਧਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੀਆ। ਅੱਛਾ ਤੋ ਇਹ ਉਸਕੀ ਸਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਫ ਐਮਏ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਕੇ ਆਪਕੇ ਪਾਪਾ ਆਪਕੋ ਸਿਖਾਤੇ ਹਨ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਆਪ ਬੋਲਤੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ हाँ। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं टू क्लास में पढ़ती हूँ। टू क्लास में पढ़ते हैं, तो मामा खाने में और क्या क्या अच्छा बना लेती हैं? फिर वही गल यार इंटरव्यू दे बेचे कि एक सवाल तो नहीं है मामा खाने में और क्या। मैं बिलाल से पूछ रहा हूँ, घर में अच्छी अच्छी चीजें भी बनाती हूँ। उर्दू ना बोली
ये अच्छा एक बड़ा कॉन्सेप्ट चलाया था इन्होंने, कंटेंट इनका बड़ा अच्छा वायरल भी हुआ था वो कपल वाला के मियां बीवी वाला जो आपका के मेरे पापा तो है ही रन मरीद ने, ठीक है वो बिलाल बिलाल की अच्छी वीडियो तो ताड़े पापा भी रन मरीद। हां जी खानदानी से रन मरीद है जी, ऐसे खानदानी रन मरीद है जी। अच्छा बताओ टिकटॉक से कितने पैसे कमाते हो? टिकटॉक अर्निंग नहीं देता, यूट्यूब से कमा रहे हो ना? यूट्यूब मेरा चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया है और माशाल्लाह मोनेटाइज हो गया हुआ है और अब मेरा जो भी न्यू कंटेंट है वो यूट्यूब पे ही आया करेगा। ये बड़ा कुन्ना है बता नहीं रहा, 22,000 सब्सक्राइबर हो गया और अच्छा खासा कमा रहा है। अब ये जो ना दंदा दे थल्ले जीप दे के वखरा कुन्ना जा बनया जे मैं दंदा दे ओदी वजह की है कि अब्बा जी ते अम्मी जी कोल बैठे ने। हां जी असल कमाई कौन दसदा है? मैं बता दे दो तो असल कमाई दा बुढ़िया ने पता हुंदा, मां प्यो नु नहीं पता हुंदा। खुली घर की कहानी अंकल जी और दसो। नहीं हो रही बस इन्ना ही बड़ा है। बाबर कितने साल की उम्र में शादी हुई थी? मेरी 17 साल की एज में शादी हुई नहीं 18 थी। आला 2012 आ गई मैं कुवारा मर जांगा। अच्छा कर लिया भैया लव मैरिज की अंकल इन्होंने? नहीं लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज, अरेंज लव जिसको कह सकते हैं। इन्होंने फसाया थे मैंने, इन्होंने फसाया यही तेरे असल दुश्मन ने है ना? शर्म तो नहीं आती तुम्हें? मामा पापा को दुश्मन कहते हो, ये देखो कैसे है आपके पापा। इसने भी कल को यही कहना है, इसने भी कल यही कहना है। उसके बाद फिर क्या हुआ? ब्याह हो गया भाई। उस तो बाद फिर ओ हुई है, फिर ऐ होया, हुण ओ होया जे और माशाल्लाह तीन बच्चे हो गए। तो तीनों के तीनों भी एक्टर ही आ गए थे। घर कितने पैसे देते हो? घर पे हां सारे इनके मम्मी अब्बू ने झूठ बोल रहे हैं, सही सही घर कितने पैसे? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह तो बड़ा करम है जी, कुछ भी नहीं देता कुछ भी नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू को पैसों की जरूरत नहीं, माशाल्लाह करोड़पति हैं। अब्बू रेड़ी लाके निकलते ने कमा ले आंदे ने। अब्बू रेड़ी लगाते हैं? नहीं भाई रेड़ी रूड़ी नहीं लाते। क्या काम क्या करते हैं अंकल आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। इसके अलावा सोशल मीडिया से क्या क्या अर्न किया है? कितनी जमीन बनाई है? सोशल मीडिया से मैंने दो घर बनाए। दो घर बनाए माशाल्लाह। और बैंक बैलेंस कितना बनाया यार? ये सारियां चीजें नहीं, आवाम को पता होना चाहिए, अवेयरनेस उनको मिलती है। भाई जान सोशल मीडिया से मैंने दो घर बनाए हैं माशाल्लाह। बैंक बैलेंस अच्छा है अल्लाह का शुक्र है। मैं अगर आज अपना सोशल मीडिया नेटवर्क वाइंड अप कर देता हूँ तो मुझे ये है कि मैं घर बैठ के अपना इजीली सर्कल चला सकता हूँ इतना बैंक। कितनी देर का? 1 साल 2 साल 6 महीने 5 महीने सा उम्र अगर चाहूँ तो अभी अपना सोशल मीडिया नेटवर्क बंद करके मैं अपना घर का सर्कल बहुत अच्छे तरीके से चला सकता हूँ। अच्छा ठीक है। तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इस टाइम आपका सोशल मीडिया ही है, डिजिटल मीडिया, उसके अलावा कुछ नहीं करते? उससे पहले भाई हमारे पास धा गया, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। सोशल मीडिया से जो दो घर बनाए हैं उनकी तकरीबन मालियत होगी 2 करोड़ रुपए? नहीं तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए और माशाल्लाह जिस घर में रह रहे हो ये भी कम से कम 4-5 करोड़ का तो है ही। ये हमारे अब्बा जी का है। अब्बा जी ये हमारे अब्बा जी का है। अब्बा जी के मत्थे पे फट पे कसम से उन्होंने गुस्सा आ रहा है कि पूछी जा रहा है मेरे पुत्र को, रास पास करी जा रहा है सारे। तो ये कौन सा फोन है? ये 13 प्रो मैक्स। और ये भी उसी से सोशल मीडिया से? जी माशाल्लाह फिर तो अपना ही होया ना। केड़ा अपना होया? नहीं पाई अपना होया। कोई 500-600 रुपए टूटा होगा अंकल आपके पास? इन्ने पैसे माशाल्लाह कमांदे हो। खैर 500-600 रुपए हुण रक्षा करवा के बाबर उठे उठे उन तके दे। एक मिनट भांडे टूट गए, साडे घर दे हालात जेड़े सारे टूट जाने, साडी कमाई दा पुछण आ गया बाबर भाई। एक बात नहीं यार, बात नहीं सी होती ऐसे तरीका ही। 500 बाबू को दीजिए इजाजत, देखते रहिए और तू पॉइंट मेरा नु देख ले।